किसकिन धन नरेश बानर राज बाली के जय होगी बाली बंधु सुग्रीव के जय होगी किसकिन धन नरेश बानर राज बाली के जय होगी बाली बंधु सुग्रीव के जय होगी किसकिन धन नरेश बानर राज बाली के जय होगी। हमार वानर साम्राज्य में सब कुशलता बाना महामंत्री चारों ओर कुशल मंगल बा महाराज। हमने के राज्य में ताना परंतु वानर राज केसी के राज्य में राक्षसन के उत्पात के समाचार बा। राक्षसन के उत्पात वानर राज केसरी के राज्य में के बाऊ राक्षस उनका स्वामी के बा। वानर राज सुन ले बानी राक्षस दक्षिण दिशा के ओर से आवेले और ऋषि मुनियन के आश्रम के उजाड़ के चल जावेले। तब तो उनका आक्रमण हमने के राज्य पे भी हो सकेला। ना बाली भैया, हमने के अतुल्य बल के देख के कोनो भी राक्षस हमने के राज्य पे आक्रमण करे के साहस ना कर पाई। ये राक्षसन पे कबो विश्वास ना करे के चाहिए सुग्रीव, हमने के सदा चौकस रहे के चाहिए। महामंत्री वानर राज के सीमा पे चौकसी बढ़ा दी, एगो भी राक्षस हमरा राज्य में प्रवेश कैला के दुस्साहस ना कह पावे। जवन आज्ञा महाराज। नारायण नारायण, जय होखे जय होखे वानर राज बाली, जय होखे बाली बंधु सुग्रीव। प्रणाम नारद मुनि। हमनी राउर दर्शन पाके धन्य भनी देवर्षि नारद जी। हम आकाश मार्ग से उत्तर से दक्षिण की ओर जात रहली के राउर राजधानी किष्किंधा के महल दिखाई देलस। हम सोचली रउआ लोग के कुशल समाचार पूछत चली। रउआ बड़ा कृपा कैली मुनिवर। विराजी कह रीच रात इंद्रपुत्र बाली, सब कुशल मंगल तबा। सब कुछ कुशल मंगल बाते वर्षी, परंतु रउआ हमरा बारे में जौन संबोधन कैली वो हम समझ ना पाईली। बाली भैया, रीच राज इंद्रपुत्र कैसे हो सकेले देवर्षी? सुग्रीव, तू रिचराज सूर्यपुत्र बाड़ा, सग भाई होकत के भी तोहनी के ईष्ट पिता अलग अलग बाड़े, ई बात ता तू लोग जाना थी होगवा। हम समझ ली ना देवर्षि, आपन आशय तनिक स्पष्ट कही के समझाई। नारायण नारायण। वानर राज बाली, तुहार पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रिचराज हमार मानस भाई रहले, परंतु एगो चमत्कार से उ तोहार माता बन गईले। ए रउआ का कह रहल बानी देवर्षि? राउर बात सुन के हमार उलझन बढ़ जा रहल बा। लागता हमरा के पूर्ण कथा विस्तार से सुनावे के ही पड़ी। अवश्य सुनाई मुनिवर, हमनी अपन जन्म से जुड़ल कथा से अब तक अनजान बानी। ता सुना तोहनी के जन्म से जुड़ल कथा और वानर कुल में जन्म लेके इच्छानुसार रूप बदले के योग्यता के रहस्य हम तोहरा के बताई। ई कथा हम परम पिता ब्रह्मा से सुनले रहनी, जौन हम तोहनी के सुनाई। सच बड़ा विचित्र बा तोहनी के जन्म के कथा। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, राउर तपस्या में इतना व्यग्रता कैसन? राउर मन इतना अशांत काहे बा ब्रह्मदेव? तपस्या करत रहुआ इतना विचलित काहे हो रहल बानी? प्रभु, हमार मन विचलित बा काहे कि आपन ही रचल सृष्टि में प्राणियन के बीच घना संघर्ष और युद्ध के तांडव देख के हम दुखी हो गइल बानी। हम चाहत बानी रहुआ इस सृष्टि के अंत कर दी ही। हम अब ऐसा ना देख सके नी महादेव, रहुआ हमार बनावल सृष्टि के अंत कर दी ही, समय से पहले प्रलय मचा दी ही, सब कुछ समाप्त कर दी ही। ब्रह्मदेव, ये कैसन असंभव बात कही रहल बानी रउआ? समय से पहले सृष्टि के अंत ये ना हो सकेला। कब आई उस समय विश्वेश्वर शंकर? का तब तक हम ऐसे ही विवश होके घृणा युद्ध
और मार काट देखत रहब, हम कुछ ना कर सके नी, तो हमरा के सृष्टि के जगत के परम पिता कहावे के अधिकार काहे दिहल गई। यह सृष्टि रचना के नियम बा ब्रह्मदेव, राउर इच्छा मात्र से ई नियम बदल ना सकेला। ई मनवंतर में अबही सतयोग के अंत होखे वाला बा, ओकरा बाद त्रेता योग आई जिमे भलाई और बुराई के संघर्ष और तीव्र होगी। तत्पश्चात आई द्वापर युग जिमे भाई भाई आपस में लड़के महाभारत मचाई है, और फिर जन्म होगी कलयुग के, जब चारों ओर हिंसा घृणा बैर और युद्ध के साम्राज्य होगी। इस सब रउआ के देखे के होगी ब्रह्मदेव, इस सब रउआ के देखे के होगी। परंतु रउआ और हम का देखत ही रहब, प्राणी और मनुष्यता के निकृष्ट और नीच मार्ग से हटावे के कोनो उपाय नहीं के। संसार के दैवीय शक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के ही कार्य करे के होगी। हमने के भिन्न भिन्न समय में अलग अलग युग में अवतारी पुरुषन के माध्यम से धर्म के संदेश लोगन तक पहुंचावे के होगी। उहे धर्म के संदेश लोगन के आपसी संघर्ष हिंसा और घृणा के दूर करी। शोक मत करें ब्रह्मा जी, लोगन के सदविचार और धर्म की ओर ले जाए के उपाय करी। अंत में अधर्म पे धर्म की जीत होगी, असत्य पे सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वानर राजबाली सुग्रीव, शिवजी के वाणी से परमपिता ब्रह्मा के कुछ आश्वासन त मिलल, परंतु ओकरा हृदय के शोक दूर न भइल। उ सोचत रहले, जौन मनुष्य बैर खा चुकल बा, युद्ध के मार्ग अपना चुकल बा, ओकरा के धर्म के मार्ग पे कैसे ले आई जा सकी। इहे सोचत सोचत उनकरा आँखी में आंसू भर आए। बाली सुग्रीव, ब्रह्मा के उ आंसू से तोहार पिता रीछराज के जन्म भए, जेकर शरीर वानर जैसन रहे। जल से बाहर आते ही आपन जन्म से अनजान ब्रह्मा के अश्र पुत्र रीछराज के आश्चर्य भई। एने होने के दृश्य के अवलोकन करत करत रीछराज आपन जन्म के बारे में सोचे लगले। उनकरा मन में प्रश्न उठल, उ के बाड़े, कहुआ से आइल बाड़े। अचानक उनकरा मन में अपन मुख देखे के इच्छा जागृत भई। जैसे ही जल के दर्पण में वो अपन वानर मुख देखले, ना, हम ब्रह्मा के अश्रु पुत्र बानी, हमार स्वरूप ऐसा ना हो सकेला, हमार स्वरूप ऐसा ना हो सकेला। रीछराज जल में कूद पड़े। ब्रह्मदेव पे उनकरा इच्छा अनुसार रीछराज के एगो सुंदर स्त्री के रूप प्रदान कैले। ई रहली रिक्षिंदा, तोहार माता। पिता ब्रह्मदेव, रउआ हमरा के अपन आंसू से जन्म देनी। हमार जन्म के सार्थकता एही में बा कि हम ऐसन अतुल बलशाली पुत्र के माता बनी, जे अधर्म के नाश करके धर्म के वृद्धि करे। हमारी मनोकामना कैसे पूरा होगी पिता ब्रह्मदेव? पुत्री रिक्षिंदा, तुम बारी बारी से सूर्य देव और इंद्र देव की आराधना कर, तोहरा में देवांश के प्राप्त करके माता बने के जन्मजात शक्ति बा, तोहार कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दूगो बलशाली पुत्र के माता बनबो। ओम इंद्र देवाय नमः, परम प्रसिदं त्वं पुरंदरम। ओम इंद्र देवाय नमः, परम प्रसिदं त्वं पुरंदरम। ओम इंद्र देवाय नमः,
परम प्रसिद्धं त्वं पुरंदरम ओम इंद्र देवाय नमः 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 परम प्रसिद्धं त्वं पुरंदरम देवी ऋचिका तहार आराधना सफल भई ब्रह्मपुत्री हम तहरा पे प्रसन्न बानी बोला का चाहिए तहरा हमके अपना जैसन बलशाली पुत्र प्रदान करे इंद्रदेव ये हमारे को काम ना बा तथास्तु ऋचिका तहार पुत्र बानर के रूप में जन्म ली परंतु ओकरा में शक्ति होखी कि वो मनवांछित रूप धारण कर सके वो नर श्रेष्ठ और बानर श्रेष्ठ होखी तोहार पुत्र के पालन स्वर्गलोक के अप्सरा करिए हमारे आशीर्वाद से उत्पन्न तोहार पुत्र बाली कहलाए ओकरा देखत ही शत्रु के आधा बल समाप्त हो जाए और उस सरलता से शत्रु के हरा दे इंद्रदेव हम राव री उपकार कबू न भुलाए बाली बखत अइला पे रिक्षिंदा तोहरा के जन्म दिली और तोहार पालन पोषण स्वर्ग के अप्सरा लोग कैली और फिर हमार जन्म भइल देवर्षि हाँ सुग्रीव परम पिता ब्रह्मा के इच्छा अनुसार रिक्षिंदा सूर्य देव के आराधना कैनी और सूर्य देव के कृपा से तोहार जन्म भइल और तोहार पालन पोषण पृथ्वी के वानर राज किष्किंधा कैलेस हम अपन माता के कबो न देख ले देवर्षि ब्रह्मा जी के अश्रु से प्रकट होखे वाली रिक्षिंदा केवल तोहनी दूनों के जन्म देवे खातिर ही प्रकट भइल रहनी ई कार्य समाप्त होखत ही ब्रह्मा जी के चरण में लीन हो गईली ब्रह्मा जी तोनी के पितामह बाड़े उनकर आराधना कैके तोनी उनकरा में अपन दिवंगत माता के दर्शन कई सकेला राहुल श्रीमुख से अपन जन्म कथा सुनके हमने धन्य भइली बाली तोरा के एगो महत्वपूर्ण परामर्श देहब हम अपन धर्म समझेली रवा आज्ञा दीही देवर्षि राउर परामर्श के सम्मान कर अभी हमार धर्म बा सुग्रीव तोहार समोदर भाई बा एकरा बात पे कबो अविश्वास मत करिहा ई रवा कैसन बात कर रहल बानी देवर्षि हमनी दोनों भाई तू ही शरीर एगो प्राण बानी हम भला सुग्रीव के वचन पे विश्वास ना करी ई कैसे हो सकेला समय के बलिहारी बाबाली कौन बखत कौन कारण केकरा मन में का विचार आ जाए ई केहू ना कह सकेला ए खातिर तो हम तोहरा के सावधान कर रहल बानी ई बखत तू अपन आप के दू शरीर एगो प्राण कह रहल बाड़ा परंतु यदि संकट के बखत भावना बदल गई तो प्राण संकट में पड़ सकेला अच्छा अब हमरा के आज्ञा दी तोहार कल्याण होखे बाली भैया नारद जी ऐसा विचित्र बात काहे कहले हम स्वयं चकित बानी सुग्रीव बाकी तू चिंता मत करा नारद मुनि कबो कबो विनोद करे खातिर भी आ जाए ले नारायण नारायण प्रणाम परमपिता चिरंजीवी होखा तुहार नारायण भक्ति के धारा युग युग तक बहत रहे परमपिता भगवान विष्णु तो वैकुंठ लोक में रह के भी अदृश्य बाड़े ऊ महाराज दशरथ के यहाँ नया अवतार धारण कर ले बाड़े अब तो हमरा के नारायण भक्ति के बदले राम भक्ति के धारा बहावे के पड़ी वैकुंठ से अदृश्य होके विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विराज रहल बाड़े जब तक श्री राम पृथ्वी पर अपन लीला करत रही है तब तक भगवान विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा में बंधल रही हैं और
माता लक्ष्मी उ कहुआ बानी परम पिता वो भी भगवान विष्णु के संगे ही रहेली परंतु यह समय वो दोनों अदृश्य हो चुकल बाड़े। अब तो देवी लक्ष्मी मानवीय रूप में नया अवतार धारण करे वाली बाड़ी। पिताश्री माता लक्ष्मी के बारे में उठल जिज्ञासा के शांत कैला खातिर ही तो हम यहाँ आई बानी। का तू नया अवतार धारण करे से पहले भगवान विष्णु से ये प्रश्न ना पूछ ले रहला? ना, हमरा के तो बस इतना ही पता बा कि अधर्मियन के संहार करे खातिर और पृथ्वी पे धर्म नीति और न्याय के शासन स्थापित कैला खातिर भगवान विष्णु महाराज दशरथ के यहाँ नया अवतार धारण करी है। वो प्रभु श्री राम के रूप में अवतार तो धारण कर ली ले परंतु माता लक्ष्मी के बारे में हमरा कुछ पता नहीं थे। ये जाने खातिर तो हम राहुल पास आयल बानी। हम सोच रहल बानी कि तोहरा के बताएं या ना बताएं। काहे परम पिता आपन मानस पुत्र से ई छिपा के का लाभ मिली रहुआ के? तो सारा संसार में ई बात के प्रचार कर देबा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मानव रूप में अवतार धारण करके जौन कार्य करे वाला बाड़े वो हमें विघ्न पड़ जाई। नारायण नारायण ई कैसन लाछन लगा रहल बानी रहुआ हमरा पे? का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्ति के प्रचार के अतिरिक्त कोनो और उद्देश्य भी बा हमार जीवन के? श्री राम अवतार में उनकर भक्ति के महिमा के प्रचार कैला के कार्य राम भक्त हनुमान करिए नारद। रुद्रावतार हनुमान के जन्म के प्रमुख उद्देश्य भी है बा। नारायण नारायण हम जानता नहीं परम पिता हनुमान के भक्ति भावना के हम प्रणाम करता नहीं उनकर समान हमार भक्ति में शक्ति कहाँ परंतु इतना जनला के अधिकार तो हमरा के अवश्य बा के माता लक्ष्मी नया अवतार कहाँ धारण करी है? अवश्य नारद हम तुहारी अधिकार के सम्मान करत बानी यही खातिर तोहरा ही बता रहल बानी कि देवी लक्ष्मी मानवीय रूप में अवतार धारण करे ही वाली बाड़ी। कब कहुआ के बाड़े उनकर माता पिता? उनकर माता पिता केहू नहीं खे वो तो पृथ्वी के पुत्री बन के इस धरती में से ही प्रकट होखे वाली बाड़ी। नारायण नारायण धन्य होखी प्रभु धन्य होखी माता लक्ष्मी। पिताश्री अब उस स्थान भी बता दी जहां माता लक्ष्मी प्रकट होखे वाली बानी ताकि उनकरा माना अवतार के हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकी। विदेह मिथिला के राजा जनक श्री ध्वज के यज्ञ पुत्री बन रहल बाड़ी। सावधान गोपालक प्रतिपालक प्रजावसल धर्म ध्वज रक्षक चंद्रवंश कुलभूषण महाराज जनक पधार रहल बाड़े। महाराज जनक के जय हो गे। 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 राउर कल्याण होके मंत्रीवर महामंत्री प्रजा के सुख शांति खातिर रउआ आवश्यक उपाय तो कैले बनी ना? हाँ महाराज हमनी के वीर सैनिक चारों दिशा से सीमा के रक्षा कर रहल बाड़े। महामंत्री हम स्वयं गुप्त रूप से राज्य के भ्रमण कई के लौटत बनी वैसे प्रजा सुरक्षित बा परंतु लागता उनकरा मन में कोनो प्रकार के भय व्याप्त बा। कैसन भय महाराज? मिथिला नरेश शुभ होखे मिथिला और मिथिला के प्रजा के कल्याण होखे। महाराज पधारे मुनिवर। महाराज हम गुरु याज्ञवर के आज्ञा से राउर सेवा में उपस्थित भइल बानी। मुनिवर का कोनो संदेश भेजवेले बाड़े ऋषि याज्ञवल्क के? गुरुदेव के विचार बा के धर्म रक्षा और राज्य के सुरक्षा खातिर महाराज के एगो विशेष यज्ञ के आयोजन करे के चाही। अवश्य जैसन गुरुवर चाहिए हम वैसे ही करब। महामंत्री जी गुरु याज्ञवल्क के आज्ञानुसार एगो विशाल यज्ञ के आयोजन कैल जाए और उ यज्ञ में हम स्वयं सम्मिलित होखब। जवन आज्ञा महाराज। धन्य हो महाराज। अच्छा तब हमरा के आज्ञा दी। कल्याण होखे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रतापी रावण के जय होगे। प्रतापी रावण के जय होगे। हमला करा करा मारा करा। जय हो रावण के जय हो। बंद करा यज्ञ और हमनी के स्वामी राक्षस राज रावण के जय बोला। नहीं यज्ञ बंद करब ना तो हर स्वामी के जय बोला। राक्षस राज ये दुष्ट और जय जयकार बोले के तैयार नहीं थे। ये पवन यज्ञ करेला वो अपवन दुष्ट आत्मा राक्षस के जय जयकार न करेला। ये बात तू भली भांति जाने ले रावण। काहे कि तू स्वयं यज्ञ करता ब्राह्मण रह चुकल बड़ा। हम कबो ब्राह्मण रहली ये बात हम भूल चुकल बानी राजा जनक। हमार ब्राह्मणत्व के जगा के अपन प्राण बचावे के प्रयास मत कर। ये धर्म के मार्ग पे चलेला ओकरा अपन प्राण के चिंता ना होखेला। रावण तू राक्षसी शक्ति के सहारे विश्व विजय करे निकलल बड़ा और हम राक्षसी शक्ति के अंत कैला खातिर धार्मिक अनुष्ठान कई रहल बानी। अर्थात तू सीधे सीधे हमार शक्ति के चुनौती दे रहल बाड़ा। हम यही समय दोनी सबे के मृत्यु के गोद में सुता के ई यज्ञ भूमि में खून के नदी बहा देव। सुन रहल बानी गुरुदेव एगो ब्राह्मण कुल के जन्मल एगो राक्षस के विकृत बाणी। सुना है जनक चुप हो जा ना तो यही समय। चुप करा। हम तोरा ब्राह्मण शक्ति के ना तोरा रावण बल के चुनौती देता नी। यदि तू हमरा के जीतल चाहत बाड़ा तो अपन ज्ञान से जीता अपन शक्ति से ना। तू कहे के का चाहता रहा का तू ये समझत बाड़ा कि हमार लंकापति होखा थी हमार ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो गयी। ये हमरा से पूछला की आवश्यकता नहीं है दशानन। ये प्रश्न अपना आप से पूछा अपन आत्मा से पूछा। यदि ऐसा ना होखा तो तू धर्म विद्रोही बन के निर्दोष प्राणियन के रक्त ऐसे व्यर्थ ना बहता और अपना राक्षस होखला के अहंकार ना करता। जितना अहंकार हमरा के अपन राक्षस होखला पे बा ओकरा से अधिक गर्व हमरा के अपन ब्राह्मणत्व के ज्ञान पे बा। ये सब ऋषि मुनि हमरा ज्ञान के सामने तुच्छ बाड़े तुच्छ। एकरा में से केहू भी शास्त्रार्थ खातिर हमरा सम्मुख खड़ा होके के साहस न कर सकेला। पहले हमरा से शास्त्रार्थ कैले रावण। हम अपन गुरुजन से जौन कुछ सिखले बानी वो तोरा अभिमान के चूर चूर करे के पर्याप्त बा। बोला तू ब्रह्मा विष्णु महेश के शक्ति के स्वीकार करे ले या ना? ना ब्रह्मा वो हमरा के तरसा तरसा के वरदान देले बा। विष्णु वो मर शत्रु बा शत्रु। शिव महेश इस संसार से दूर रहे वाला योगी बा। ये सब मिलके भी हमनी राक्षसन के उभरा शक्ति के दबा ना सकेला। ये तो हर ब्रह्म ज्ञान ना तुहार अहंकार बोल रहल बा रावण। पहले ही बतावा ब्रह्मा के वरदान देवे के शक्ति विष्णु के जगत पालन के शक्ति और शिव के सर्वोच्च शक्ति से तुहार कितना परिचय बा? ये सब व्यर्थ के बात पे विचार कैला के ना तो हमरा पास समय बा और ना ही इच्छा। हम सब कुछ जानीला परंतु बताई कुछ भी ना। कहे कि शास्त्रार्थ में तोहरा जैसन साधारण राजा पे विजय पाके भी हमरा के वो प्रसन्नता ना होखी जौन अपन शक्ति से तोहरा के हरा के होखी। पहले ये बतावा कि तू लंकापति रावण के अधीनता स्वीकार करत बाड़ा या ना? ना कदापि ना। धर्म अधर्म के सामने कबो ना झुकी। लंकापति हमने क्या आज्ञा दी? हमने यही वक्त समस्त दुष्टन के मृत्यु लोक पहुंचा देता नहीं। ब्राह्मण रावण हम तो पहले ही घोषणा कर चुकल बानी कि हम अधर्मी के धमकी के आगे कदापि ना झुकब। तू पहले हमनी खातिर ब्राह्मण बड़ा फिर राक्षस हिंसा और मारकाट के मार्ग छोड़ दा तथा धर्म और धर्मात्मन के उनकरा राह पे चले। ना हमरा के उपदेश दे के हमार क्रोध के बढ़ावे के प्रयास मत करा। हम अपन ब्राह्मणत्व विशर्वा ऋषि के आश्रम में ही छोड़ देले रही। अब हम राक्षस बानी राक्षस राज लंकापति विश्व विजय के मार्ग पे निकलल रावण बानी। हम या तो हमार अधीनता स्वीकार करला और हमार जय जयकार करा ना तो अपन रक्त बहावे खातिर तैयार हो जा। यदि हमने के रक्त तोहरा के इतना प्रिय बा रावण तो एकरा के ले जा परंतु एकरा बहा के नष्ट मत कर। तोहरा के ब्राह्मणत्व के शपथ बा हम ऋषियन के रक्त बहाव मत। हमने सभे में जौन यज्ञ और धर्म के संस्कार बा हमने के रक्त में घुलल मिलल बा। हमने सब मिल के तोहरा के अपन रक्त दे दे चाहे हमने के प्राण ही कायना चल जाए।
धन्य बाड़ा ऋषिवर, धन्य बाड़ा। सचमुच तोहरा सूझबूझ के लोहा मान गई नी हम। तोहनी के धर्म संस्कार से भरल रक्त हम भला काहे बहाई। ओकरा के धरोहर के जैसन राखब ताकि सदा तोहनी के आशीर्वाद हमनी के मिलत रहे। राक्षस सेनापति जी महाराज, एगो बड़ा कुंड ले आवा। धर्म और ब्राह्मणत्व के डिंग हाके वालन ही ऋषि मुनियन के शरीर से रक्त निकाल के ओकरा ओ में जमा करा। जब वो रक्त से लबालब भर जाए तब हमरा सम्मुख प्रस्तुत करा। देखा तानी वो रक्त में बहे वाला धर्म हमार कितना भला करेला। लंका अधिपति रावण के जय होगे, राक्षस राज रावण के जय होगे। लंका अधिपति रावण के जय होगे। लंका अधिपति रावण के जय होगे, राक्षस राज के जय होगे, राक्षस राज रावण के जय होगे। लंका अधिपति रावण के जय होगे। रुका, गुरुदेव के छोड़ दा, हमार रक्त लेला ना महाराज। लंकापति रावण के जय होगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रावण, हमने कई रक्त तोरा दुर्भाग्य के प्रतीक बनी।